गुड मॉर्निंग बेटा, टुडे यू हैव योर रिवीजन टेस्ट, सेकंड रिवीजन टेस्ट। थ्री चैप्टर्स आर देयर, सो आई हैव रिटन द रिलेटेड क्वेश्चंस। सॉल्व दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। सो फाइंड द क्लास इंटरवल फर्स्ट। आप अपने मेथड से करो। ठीक, आपने क्या करना है, जो वेट था उसका हाफ, हाफ ऑफ सिक्स इज थ्री, सब्रैक्ट थ्री एंड एड थ्री, इंटरवल विल बिकम, इफ यू सब्रैक्ट थ्री इट विल बिकम टू, इफ यू एड थ्री इट विल बिकम एट। तो इंटरवल इज टू टू एट, lower limit is 2, upper limit is 8. Got it? He has written direct formula. Class mark is 6.5, class size 3 hai, write the next 3 classes. Aajo Jasleen. क्या कर रहे हो, क्लास साइज का हाफ करना है, ये क्लास साइज है इसका हाफ करना है। आपने क्या लिखा है, बेजा हाँ जी ठीक है। आप क्या करेंगे, मिड वैल्यू में से माइनस, मिड वैल्यू में प्लस, मिड वैल्यू कौन सी है, मिड वैल्यू मींस क्लास मार्क। सिक्स पॉइंट फाइव में से 1.5 माइनस करेंगे क्या आएगा, इधर उधर उधर, सिक्स पॉइंट फाइव में से 1.5 माइनस करेंगे क्या आएगा, देखो
नहीं, 6.5 में से माइनस किया ना आपने, अब ये देखो 8 लिख दिया, इसमें कितने का गैप है, 3 प्लस करते दो। क्लास साइज इज द गैप बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट, शी हैज रिटन द फर्स्ट इंटरवल 5 to 8, तो नेक्स्ट इंटरवल विल स्टार्ट फ्रॉम 8, तो 3 ऐड करते जाओ उसमें, साइज कितना है 8, 3 है ना, 3 ऐड करते जाओ, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव, यस आर दे कंटीन्यूअस, यस बिकॉज़ वेयर एवर द फर्स्ट इंटरवल इज एंडिंग नेक्स्ट इज बिगिनिंग फ्रॉम दैट, ठीक है, सो इट इज कंटीन्यूअस। Always make the intervals continuous, then you will find the mid value, the size, everything. Start next. Area of equilateral with side 2A. Hello, Jatin. What is the area of equilateral triangle? Let him speak. Bas. रूट 3/4 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, करण एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो देखो, नहीं करने नहीं, फॉर्मूला बोलो, करने क्या लगे हो, इनटू साइड स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, एक डस्ट क्यों मारा तो आई नहीं, ये तो प्यार था सिर्फ, 2A है, साइड 2A है, क्या वो ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसी चीज खाई है, हैं तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, नीचे रख इसे, पहले स्क्वायर ओपन तो करो, कैसे कट जाएगा रूट से स्क्वायर, टू का स्क्वायर, अब डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई वो कर रहे हो आप, कहता 16 डिवाइड हो रहा है, कटिंग करो, 4 1 4, एटलीस्ट स्कूल आना, क्या 4 से 4 कैंसिल, हाँ चलो हैं, अगर 2A की जगह x होता तो, 2a की जगह x होता तो √3/4 x स्क्वायर, ठीक है, 2a की जगह 3a होता तो, हाँ बोलो कुछ, 2a की जगह अगर 3a होता तो क्या करते, अरे 3 का स्क्वायर कर देते, 9a स्क्वायर, यहां आ जाता 9, आंसर आ जाता 9√3/4a² कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, जो आए सॉल्व कर देना, बैठे मत रहना, देखते मत रहना कि कौन बताएगा हमें आंसर, खुद करना है, ये तभी करवा रहे हैं आपको, खुद भी कुछ ट्राई कर लिया करो, अगर रॉन्ग हो जाएगा तो कोई कुछ कहने नहीं लगा आपको, अगर कह भी देंगे तो आपको फर्क तो वैसे नहीं पड़ता,
ठीक है, कोई बात नहीं, दो काम है सुन लेना। हाँ जी, ट्राई तो करना ही है ना, तो यहीं ट्राई कर लो ताकि वहां हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन। इतनी देर लगाती हो ना उठने में, जल्दी आओ। अभी कोई फ्रेंड आवाज लगा ले, फिर देखो स्पीड भागने की इनकी। रब करो इसे, इधर इसमें सेट। चलो स्टार्ट करो फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, मेरे से पूछ के ही करना है तो मैं ही कर देती हूँ। इतना मत लिखो, एमसीक्यू आने, इतना लिखोगे तो पेपर कब करोगे? स्टार्ट करो जल्दी। वन एंड हाफ आ, तो एमसीक्यू यहाँ प्रैक्टिस करोगे तभी सॉल्व होंगे। मैं ये बता दूंगी आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ पैटर्न अभी कंफर्म नहीं हुआ, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी कि कितने एमसीक्यूज होंगे और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ये इतना बता देंगे आपको। हाँ जी हाँ जी, एस फाइंड तो कर लो पहले। चलो आगे कर लेना, करो। कितना आ रहा है आंसर, बाकी किया किसी ने? टू कैसे आ सकता है? दिव्या क्या आ रहा है आंसर, सॉल्व किया किसी ने? एक मिनट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी टू आ रहा है। टू रोज बेड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। क्यों सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को? ये ऐसे थोड़ी, ये तो बाई चांस ही आंसर आ गया। हाँ जी, 9 + 1 = 10 होता है मैडम, 45 आएगा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ऐसे स्केलिन ट्रायंगल में भी तीन साइड होती है, तो सबसे बड़ी को हाइपोटेन्यूज ले लेंगे। आप पाइथागोरस थ्योरम से चेक कर सकते हो कि ये फॉर्म कर रहा है राइट एंगल, देन यू कैन अप्लाई, चेक हो जाएगा तो हाँ आंसर भी आ जाएगा। फिर तो हीरोइन फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, इसके बिना ही हो जाएगा। अरे आंसर आ गया, मैंने इससे पूछा चेक किया है, कहती नहीं, कहती सबसे बड़ी साइड है इसलिए हाइपोटेन्यूज। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे स्केलिन ट्रायंगल में भी तीन डिफरेंट साइड होती हैं। ये तो बाई चांस आंसर आ गया ना, ना आता तो फिर ऑप्शंस रॉन्ग वाली भी दी होती, आप टिक कर देते देखते ही, इसलिए पहले कंफर्म कर लेना। नाइनटी बाय टू 45 आए, 40 40 80, नाइन है, नाइन 90/2 दैट इज 45। रूट लगाओ, 45 के फैक्टर करो, 9 5 = 45 और 36 को लिखो, 9 4 = 36, जल्दी हो जाएंगे। ऐसे इतना पूरा ब्रेकअप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। रूट कौन लगाएगा मैडम? आपको कहता है ये जो ट्रायंगुलर रीजन है
इसमें 90 सेंटीमीटर स्क्वेयर के कितने फ्लावर बेड बना सकते हैं? तो ट्रायंगुलर रीजन को वन एरिया वन फ्लावर बेड से डिवाइड करोगे, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ फ्लावर बेड। करो सॉल्व। 9 कॉमन, ठीक है, ये एरिया ऑफ, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन को जब आप 90 से डिवाइड करोगे, दिस इज द एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड, डिवाइड करके क्या आ जाएगा, टू। देर आर टू फ्लावर बेड्स, ठीक है, टू फ्लावर बेड्स कैन बी फॉर्म्ड। क्लियर है? स्टार्ट दिस नेक्स्ट। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ जी, हाँ जी, करो, कंप्लीट करो। सौम्य आ जाओ, नेक्स्ट। शेडेड पोर्शन फाइंड करना, हाँ जी, अपनी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज रिवाइज कर लेना। एक्स्ट्रा के चक्कर में ये ना अपनी बुक ही ना रीड करो, इंट्रोडक्शन हर चैप्टर की रीड करनी है आपने। थोड़ा इस साइड पे लिखो, विजिबल ही नहीं है, देखो। इसके नीचे कर दो सर, यहाँ इसके सेंटर में नीचे कर दो। हाँ, व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला फॉर ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जी हाँ, ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला, this is the area I have asked, altitude of equilateral triangle. root 3/2 into side, square करोगे side का तो area आ जाएगा, side लिखते हो तो altitude आ जाएगा, area लिखते हो तो 2 का square 4 लिखना है, altitude लिखते हो तो 2 लिखना है, root 3 same है, side। एबीसी का एरिया निकालो, एबीसी निकाल लिया इक्विलेटरल का, अब ये छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या दे रखा है, बीडी 6, ये 6 दे रखा है, कर सकते हैं पर जरूरत होगी तो करेंगे। हाँ जी, सोचो, हाँ जी, बताओ क्या करेंगे। इसने एरिया फाइंड कर लिया, कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड 10 दे रखी है, तो ये भी 10 हो गया, ये निकाल लो थर्ड साइड कैसे आएगी, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इनटू
साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस यू विल नॉट टेक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल फ्रॉम द बिगर वन, बिगर यू हैव ऑलरेडी गॉट हाइट. Hypotenuse is 10. The side opposite to right angle is your hypotenuse. Find this height, base into height, या इसको height into base भी ले सकते हो, लेकिन ये निकालना पड़ेगा by using Pythagoras theorem. करो find. अगर एमसीक्यू में आप इतना लिखोगे ना तो आपका पेपर नहीं पूरा होना, ये देख लेना. जल्दी जल्दी किया करो. क्या बात है, सीधा माइनस किया 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है 8. सॉल्व करने की क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा, साइड आ गई ये 8. एरिया फाइंड करो इस ट्रायंगल का, यहाँ कर दो नीचे, एरिया फाइंड करो. बस पूरा मत लिखो, ट्रायंगल सीधा लिखो डीबीसी, बस सीधा कर दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है, हाइट यहां देखो फिगर में देखो 6. यू कांट टेक 10, व्हाई, बिकॉज 10 इज योर हाइपोटेन्यूज व्हिच इज ऑपोजिट टू राइट एंगल. ठीक है, एरिया है ओके. एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया. नाउ वी हैव टू गेट दिस shaded portion that you will get by subtracting the two triangles. Now the value of root 3 is given. Put the value of root 3 and get the value in decimal. Rub kar do upar wala and get the value of shaded portion. What's the answer?
जाओ ठीक है। किसका फिफ्थ कौन सा? ये करा दो उसने फाइन। बच्चे माइनस कैसे किया है? 43.300 में से 24 को माइनस करना है। क्या बात है, 19.300। 24 means 24.00, ठीक है? Answer is 19.300. Start this next. This you have done sixth question. करो complete. बस इतना ही हो पाएगा, तीन question है, start करो जल्दी। दिव्या आ जाओ, sixth question. This question is from NCERT exemplar. It's very important. एक बार आया भी हुआ अपने स्कूल के एग्जाम में। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे आ जाएगा आपको। ये क्लियर है जो लिखा है इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन एंड वी हैव वन मोर फॉर्मूला, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। सो इक्वेट देम, दैट विल गिव यू साइड, एंड साइड विल हेल्प यू टू फाइंड द पेरीमीटर। इफ साइड इज देयर, हाउ यू विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो फॉर्मूला विल बी 3a। जैसे 4a होता है ना स्क्वायर में, 3a। हाँ जी, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, वही कर दो। हाँ जी, कर दो कर दो कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या आ रहा है? पेरीमीटर टू इसका साइड कितनी आ रही है? साइड बेटा 8 आ रही है। वो देखो, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 एंड पेरीमीटर विल बी क्या होगा? पुष्टि, अगर साइड 3 है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, पेरीमीटर क्या होगा? क्या चार बार तो बोल दिया, क्या बोला मैंने आशना? क्या होगा? अरे साइड कितनी आ रही है? 8। तो मैंने 3 बोला है। अच्छा 8 आ रहा है तो क्या आएगा फिर? उसका क्या करेंगे? कितना आएगा? 12। पेरीमीटर 3 × साइड या सम ऑफ ऑल साइड्स, कुछ भी लगा सकते हैं। एग्जाम में ना सॉल्व करने के टाइम पे पूरे पूरे फॉर्मूले मत लिखने बैठ जाना, पेपर नहीं कंप्लीट होगा अदरवाइज आपका, ठीक है? सॉल्व कर लिया, 8 आ गया, पेरीमीटर निकाल लेना, उसका हाफ कर देना, वर्बली कर लेना, इतना तो बैठे मत रहना लिखने के लिए साइड पे, ठीक? देंगे कुछ सॉल्व करने के लिए आपको, घर से क्यों लानी? एग्जाम में शीट्स नहीं मिलेंगी सॉल्व करने, रफ वर्क के लिए शीट नहीं मिलेगी, कुछ तो मिलेगा ही, ऐसे थोड़ी मैथ्स में ही नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? सॉल्व कैसे करोगे सम? और घर से क्यों लानी है भाई? आगे घर से लाते हो, घर से थोड़ी लानी है, मिलेगी नहीं इस बार। हाँ वो बता देंगे, उसका नहीं पता लेकिन बता देंगे जो भी होगा।
ये देंगे आपको इंस्ट्रक्शन पहले. अभी एग्जाम फर्स्ट कौन सा है? साइंस. मैथ्स का कब है? थर्ड. ठीक है, कोई नहीं, तब तक बता देंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. ये साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? हाँ जी, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4, एरिया विल बी. अरे स्क्वायर का एरिया क्या होता है? कभी देखा है स्क्वायर होता है? कोई कभी पढ़ा है? बोलो फिर क्या होता है? साइड इनटू साइड क्या होगा? साइड 4 दे रखी है, एरिया क्या होगा? 16. ई इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है. ये साइड 4 है तो ये कितनी होगी? ये कितनी होगी? ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया क्या आ जाएगा? अरे वर्बली करो. 2 आएगा. स्क्वायर का एरिया था 16, ट्रायंगल का एरिया है 2. शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा? 14.